में ऑटो मिल चुका है सेक्टर 2 जाने के लिए, तो सामने खड़ा है, जल्दी से चलते हैं, बैठते हैं, बुला रहे हैं भैया। काला ऑटो है जिसपे मैं जाऊंगा अभी, तो चलते हैं। तो आज हमारी सिर्फ हाँ क्लास तो दोनों हुई थी, लेकिन दोनों की अटेंडेंस हुई थी और फाइल चेक हुई थी और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो अभी घूमने निकले हैं, इधर क्या है, कौन सा घाट है, भगत सिंह घाट। तो अभी इधर घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग। तो अभी मैं भी इनके साथ हूँ, तो चलते हैं, दिखाता हूँ कौन कौन सी नई नई जगह आज सर्च करेंगे। ये है भगत सिंह घाट, आप देख सकते हो पानी कितना साफ आ रहा है, बिल्कुल ग्रीन लग रहा है, यहाँ पे ग्रीन ही है पानी। और ये आगे फ्रेंड्स जा रहे हैं और एक ये यहाँ पे खड़ा है गौरव, तो अभी चलते हैं इसके साथ आगे इनके साथ। तो अभी भैया ने अपनी मतलब फ़ोटो खिंचवाई थी अपने मोबाइल से अपनी खुद की, तो अभी मैंने इनकी फ़ोटो खींची। तो अभी सारे फ्रेंड जा रहे हैं, चलते हैं, निकल के सब रुक गए रुक गए। तो ये सामने है प्रेम नगर घाट, तो ये देखो यहाँ पे पानी कितना साफ है। और ये पुल है जो प्रेम नगर, पता नहीं इसे कौन सा पुल बोलते हैं, ये तो पता नहीं। भाई कहाँ चले गए सब, आगे निकल रहे जल्दी आ रहा। अच्छा, और हम तो रह ही गए यहाँ। सम्राट धाइर सेन जी हैं ये, और इधर ये भारत माता, ये है भारत माता की प्रतिमा यहाँ पे। ये शौर्य स्मारक है आर्मी के लिए बनाया गया। ये देखो फ्रेंड्स बच्चों वाली हरकतें करने लगे, ये गौरव देखो झूला झूला, इधर देखो इन्हें, ये और बड़े बच्चे बन गए। अच्छा पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ है ये। अच्छा ये स्टेयरिंग है क्या, ओ ये अजीत भाई ये क्या है, बस घुमाते रहो इसमें भाई, क्या है ऐसा, घुमाते रहो इसे। और ये खुद घूमने के लिए, और इसे ऐसे स्टीयरिंग होती है, वो ऐसे करते रहो बस, ये है। ये देखो कितनी तेज घूम रहे, बस यही है इसमें घुमाने के लिए। और इधर एक ये रहा, ये भी घुमा दो देखते हैं। ये देखो घुमा दे दिव्यांशु, घुमा दे। अच्छा दिव्यांशु कर रहा सी। और ये क्या है, ये लेग एक्सरसाइज करने के लिए, और ये हैंड एक्सरसाइज, ये देखो कर रहे। और वो भी हैंड की है। स्लाइडर पे पहुंच गए देखो, आज सारे बच्चे बन रखे। चलते हैं चलते हैं भाई चलते लगे कुछ मत ओ ओ अब ये देखो इधर, ये देखो इसने यहीं जिम स्टार्ट कर दिया हो। आज मजा आ रहा। रिक्शा वाले अंकल से पता कर रहे हैं शांति कुंज यहाँ से कितना दूर है। ये भाई है, ये शुभम और दिव्यांशु, मानस है, मुकुल है, तो ये पता कर रहे हैं। और हम सारे इधर खड़े हैं, ये देखो मैं भी हूँ कैमरे के पीछे। तो यहाँ पे अभी हम, ये अमरापुर घाट है, हाँ अच्छा बना है, मतलब वहाँ कूड़ा फेंक रखा, फोन पीछे रखा था ना। हाँ हाँ, अरे क्या हुआ, मिला नहीं ई रिक्शा। अरे ई रिक्शा नहीं करना, उसका एड्रेस पूरा करना था।
अच्छा ये फोटोग्राफी और बैकग्राउंड में आप ओम देखो कितना अच्छा बनाया, कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में, बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते इधर ओम घाट पे हम। भाई ये देखो पानी यहाँ पे कितनी तेज, मतलब धारा आ रही इधर से, मतलब डैम खोल रखा है इधर तो इसीलिए ये इतना तेज है। देखो आवाज कितनी तेज है यहाँ पानी की। मैं डर गया भाई, स्कूटी आ रही थी ये, मैं सोचा पता नहीं क्यों हिलने लगे ये तख्ते। ये देखो इरिगेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा थोड़ा बूंद गिर रहा है पानी का सारे गमलों में, वहाँ तक दूर तक पीछे पूरी दीवार गमलों को ही है वहाँ तक, तो ऐसे पानी गिर रहा है यहाँ पे बूंद बूंद में ऊपर से। हर एक गमले में पानी जा रहा है यहाँ, देखो पानी भी बर्बाद नहीं हो रहा और काम भी पूरा हो रहा है। देखो अभी हम पहुंचे हैं श्री भूमानंद चौक, तो अभी चलते हैं इधर आगे। दो तीन पता नहीं कहाँ निकल गए दोस्त। तो अभी ये ऑटो वाले अंकल से पूछा था 10 किलोमीटर बता रहे हमें, और जबकि हमने मैप में डाला तो वहाँ पे 6 किलोमीटर आ रहा। तो ये रही हर की पैड़ी सामने, तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं हर की पैड़ी पे। तो इधर देखो पानी कितना साफ है। तो इधर ये सारे आगे फ्रेंड्स जा रहे हैं, ये हाईवे है नेशनल हाईवे 334। तो अभी चलते हैं हम। कितना लंबा होगा स्टैचू? 100 फुट। तो इधर ये गंगा जी और इधर अजीत भाई फोटोग्राफी कर रहा है उनके साथ तो आगे फोटो खींच के, तो ये फ्रेंड रुके हमारे लिए, वो हमारे लिए रुके वहाँ पे, और ये हमारी शान तिरंगा तो अभी चलते हैं इनके पास सुनाएंगे ये हम इस पे बैठे हैं ऑटो पे, 4 किलोमीटर और रह गया, सारे थक गए हैं, मैं भी थक गया। तो अभी बैठते हैं ऑटो पे। तो अभी हमने ऑटो ले लिया है यहाँ से, कौन सी जगह? भीमकोंडा से भीमकोंडा और आगे मुकुट बैठा ये किनारे पे। तो अभी पहुँच के मिलता हूँ वहाँ पे। Let me take you for a ride. अभी हम पहुंचे हैं भारत माता मंदिर, ये देखो ए भाई ये जादू भाई।
श्री कच्ची लाल रामेश्वर आश्रम। कच्ची बोला मैंने भाई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे शांति कुंज, चलते हैं अंदर। ये देखो यहाँ से पास बनेगा हमारा, तो पास बनवाते हैं आधार कार्ड से। मानस भाई बनवा रहा है। आधार कार्ड है तेरे पास? चल कम से कम लाया तो गौरव भाई आधार कार्ड लेके आया, हम तो लेके ही नहीं आते कभी। तो ये है इधर लोकेलिटी, यहाँ शांति कुंज के बाहर। और ये देखो ये गायत्री पीठ शांति कुंज, और ये मेन गेट यही है। हाँ हाँ, ये तीसरा गेट है, वो लिखा है वहाँ द्वार के मांग थ्री। तो अभी आधे तो अंदर चले गए, हम तीन बाहर खड़े हैं। तो ये देखो ये मंदिर है, ये हमें पता नहीं है भाई कौन सा है। तो इधर ये हॉल है बड़ा सा, यहाँ भंडारा चलता है मुझे लग रहा है, या सत्संग चलता होगा, भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ चले गए हमें तीनों को छोड़ के। देवात्मा हिमालय मंदिर ला फोटो नहीं आजा, किसी चीज से आजा आजा। सूज उतार के रख दिए, अभी अंदर चलते हैं। इधर है एंट्री। तो ये है सूर्यदेव, यहाँ यहाँ पे ऊपर है देव संस्कृति। दिव्य दर्शन हो गए, दिग्ध दर्शन। अभी हम सारे यहाँ पे घूम रहे हैं, ये देखो घूमने की अच्छी जगह है। इधर सारे ये फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो अभी मैं भी इनके साथ अभी चलते हैं, जूते वगैरह उतार के अंदर एंट्री करते हैं। क्या मस्त जगह है, इधर देखो आप ये सारे फ्रेंड्स। बोटैनिकल गार्डन है क्या? तो अभी बोटैनिकल के तो ये है यहाँ का बोटैनिकल गार्डन, ये देखो आप पूरा वहाँ तक लास्ट तक। इधर भी है, ये सारे प्लांट्स हैं, उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज करे जाते हैं, वो है यहाँ पे सारे प्लांट्स। ये कौन सा है? अडूसा, मैंने पहली बार सुना ये। अच्छा अपमार्ग तो बताया था। हरी संतरी वाटिका, पीपल बरगद नीम, एक ही में ओ भाई। पीपल बरगद आमला सीता सुख, और ये कौन सा विल्व, ये सारे एक ही में लगा रखे। ये देखो आप, अच्छा स्कैन करके इनकी डिटेल पता लगा सकते हो तो ये QR कोड के जरिए से। तो ये देखो कृपया पौधों को स्पर्श ना करें, प्लीज डू नॉट टच द प्लांट्स। ये पुदीना है, ये गूलर का है, ये धृत कुमारी। इसका QR कोड मतलब QR कोड स्कैन करो, इसे पता लगाओ क्या है। तो ये इंसुलिन प्लांट, और वो सीसम। अश्वगंधा, महुआ, आंवला, सहदेवी, ये सहदेवी का पेड़ है नीचे। गूलर, ये तो उधर भी है गूगल का, ये गूगल है भी उसमें कुछ या नहीं। ये अंजीर का है, ये छोटी इलायची का है, ये गुड़हल का है। तो अभी चलते हैं बाहर, यहाँ सब कुछ देख लिया जितने प्लांट्स थे।